पराली में बेअसर रहा भारत बंद। हमारे 10 सितंबर को कांग्रेस पार्टी में पूरे देश में बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था। कांग्रेस ने इस बार बीजेपी की 2014 लोकसभा चुनाव से पहले की रणनीतियों को आत्मसात करते हुए महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। कांग्रेस कह दिया है कि लगातार जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, 2019 में बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। यहाँ से आप किस तरीके से देखते हैं कि थराली में कितना बूथ स्तर पे आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है? मैं आपके चैनल के द्वारा कांग्रेस वालों को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि 2013 में 82.87 रुपया पेट्रोल का दाम था, जबकि आज उससे भी कम है। 2013 में कांग्रेस के समय पर जो है कि इतना भाव था, उसका उस टाइम का क्या कांग्रेस के भारत बंद को आप थराली में पूरी तरह से असफल मानते हैं? अब असफल जनता ने नका दिया है, पूरे पाकिस्तान में मेरा बंद है, वो आप लोग बंद दे सकते हैं। मेले के कार्यक्रम थराली में आयोजित मेले के कार्यक्रम के चलते यहाँ मैं यानी भगवती के इस कार्य में हम व्यवधान पैदा नहीं करना चाहते थे, लिहाजा हम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यापारी और प्रत्येक नागरिक इस बात से भली बात ही विज्ञ है कि रोज तेल के दाम बढ़ रहे हैं और जिससे महंगाई आसमान छू रही है, लोगों की कमर टूट गई है महंगाई के कारण, और वो आक्रोश गुस्सा है। लेकिन आज मजबूरी बस हम लोगों को, क्योंकि ये भगवती माँ का पर्व है, साल में एक बार होता है, तो इस पर्व को व्यवधान न पहुँचे, इस वजह से हमने इसको दृष्टिगत रखते हुए करके सिर्फ ये पुतला दहन का कार्यक्रम। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है चुनावी, मतलब विपक्ष की एक अच्छी भूमिका निभा रही है, लेकिन आम आदमी का समर्थन अभी तक नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ इसमें सब जन जन का समर्थन है, लेकिन हम नहीं चाहते कि भव्यता की, मेले की भव्यता को प्रभावित किया जाए। एक तरफ मिला हो रहा है, दूसरी तरफ हम लोग कुछ कार्यकर्ता लोग इसमें शामिल हुए हैं। रहता अगर माँ नंदा देवी आज थराली में नहीं पहुँचती, तो हमारा पहले से कार्यक्रम ये था कि माँ नंदा देवी के कार्यक्रम में व्यवधान न पहुँचाया जाए, और अपना एक शांतिपूर्वक जो हमने पुतला दहन कार्यक्रम किया है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है हिंदुस्तान का जो है आज मोदी सरकार से खिन्न हो चुका है, इसी के बनने से हमने जो है पुतला दहन कार्यक्रम किया। महंगाई और पेट्रोल डीजल की तो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, विपक्ष के नाते आप किस तरह से सरकार को घेरेंगे आगे? 27 पार्टियों का समर्थन जो है कांग्रेस के साथ है, तो आप ये मान के चलो कि 27 पार्टियां और कितनी पार्टियां बचती हैं हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और दो सहयोगी दल हैं, वही नहीं चाहती सरकार, वो तो कह रही हैं कि सरकार बदलो, लेकिन क्या करें, अब 2019 में इसका परिणाम आपको दिखेगा और आपका भी सहयोग इसमें रहना चाहिए। बूथ लेवल पे किस तरह से इसे इसको प्रचारित करेंगे कि महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है, जनधन तक कैसे पहुँचेंगे? हमारे कार्यकर्ता जो है अब 2019 से पहले प्रत्येक घर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि किस लेवल पे महंगाई बढ़ी है, GDP फर्जी दिखा रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रहे हैं, और बीजेपी का एक नेता जो कह रहा है कि ये फेक IT है, फेक न्यूज है, छड़ी की छाया नहीं दिख रही है, ये कौन सा है उनका जो है सरकार, उनको सरकार चलानी नहीं आती है, और ये आपको 2019 में आपने भी सहयोग करना है, जनता तो मन बना चुकी है कि 2019 में जो है मोदी सरकार को गिराना है। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए सभी जिलों के बड़े नेताओं को फोन पर भारत बंद सफलता बनाने के लिए विशेष आग्रह भी किया था। चमोली जिले में भारत बंद के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी को दी गई थी, लेकिन चमोली जिले में और चमोली जिले के थराली विधानसभा में भारत बंद बेनतीजा ही नहीं बल्कि बेअसर भी रहा। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से प्रस्तावित भारत बंद मुश्किल 11 बजे शुरू हुआ, लेकिन ये भारत बंद भी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन तक ही सीमित रह गया। गिने चुने 15 से 20 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा थराली मुख्य बाजार में पंजाब नेशनल बैंक के आगे महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी और पुतला दहन किया गया। इस दौरान भारत बंद के प्रस्तावित कार्यक्रम से इतर पूरा बाजार रोजाना की तरह खुला रहा। इसके अलावा व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रखे, हालांकि जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से इस
बाबत पर सवाल किया गया तो आम जनता से जुड़े महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर जनता का साथ नहीं मिला। तो कांग्रेस नंदा देवी लोक जात यात्रा के थराली आगमन को अपनी ढाल बनाते नजर आई। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि 2014 से 4.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार पूरी तरह असफल रही और महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके अलावा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता गांव-गांव बूथ-बूथ जाकर महंगाई और बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेगी। टीवी न्यूज चैनल के लिए गिरीश चंदौला की रिपोर्ट, थराली, उत्तराखंड।